गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया और वापस एक बार जियाज किचन व्लॉग में हम लेके आए हैं टिफिन स्पेशल रेसिपी। तो आज की हमारी ये रेसिपी बच्चा पार्टी के लिए स्पेशल है। हाँ हाँ, मुझे पता है रेसिपी मम्मी लोग ही बनाएंगे, लेकिन बच्चा पार्टी के लिए स्पेशल इसीलिए क्योंकि ये आज की ये रेसिपी छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती, बहुत चाव से खाते हैं वो। तो आज हम बनाने वाले हैं एगलेस वोफल्स। तो वोफल्स बनाने के हमें इस तरह की वोफल की मशीन या फिर यंत्र लगने वाला है। अगर आपके पास ये वोफल की मशीन नहीं है तो सबके घर में पैन तो होते हैं, नॉर्मल पैन। तो आज का हमारा जो वोफल्स का बैटर बनेगा वो हम नॉर्मल पैन पे भी बना सकते हैं, सेम वही बैटर हम वोफल मशीन की जगह नॉर्मल पैन पे ऐड करेंगे। और बस फ़र्क इतना ही होगा कि वो वोफल्स की जगह पैनकेक बन जाएंगे, तो टेस्ट वही रहेगी, लेकिन दोनों भी टेस्टी ही लगने वाले, अच्छे ही लगने वाले। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज की हमारी वोफल्स रेसिपी। तो सबसे पहले एक बोल में हम एक कप भर के मैदा लेंगे। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पे कोको पाउडर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून भर के हम इसमें अब बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम दालचीनी पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून भर के हम मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप भर के दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले 1/2 कप ही दूध ऐड किया है, ज़रूरत लगेगा वैसे हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे और दूध लग रहा है इसलिए मैंने और 1/2 कप दूध ऐड किया है। इस तरह से टोटल हमें पूरा 1 कप दूध लगा है 1 कप आटे के लिए। तो इनको हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, कहीं पर भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से फेंट के लेना है। तो साइड में मैंने वोफल्स की मशीन गरम करने रखी हुई थी गैस पे, एकदम स्लो गैस पे। अब हम इसको दोनों तरफ से मेल्टेड बटर इस तरह से ग्रीस करके ले लेंगे। ऊपर के साइड से भी हमें ग्रीस करके ले लेना है। और अब हम इस पे हमने जो बैटर बनाया था वोफल्स का बैटर, वो ऐड कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, और फिल अगर हम बैटर करेंगे तो मशीन के बाहर आ सकता है, इसीलिए हम संभल संभल के ये बैटर सब तरफ से इस तरह पोर करके ले लेंगे। अब हम मशीन बंद करके दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे हम 8 मिनट तक कुक होने देंगे। हमें अलट पलट के दोनों तरफ से कुक करके लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मशीन को पलट के लिया है और इस तरफ से भी हमें कुक करके लेना है। तो 8 मिनट बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वोफल्स बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ठंडा करके हम इनको निकाल के ले लेंगे, आराम से निकालना है, गरम गरम नहीं निकालना है। यहाँ पे मैं वोफल्स कट करके ले रही हूँ क्योंकि टिफ़िन में बैठने चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वोफल्स की रेसिपी, टिफ़िन की रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पे हमारे वोफल्स एकदम से रेडी है, तो चलिए जल्दी से टिफ़िन पैक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वोफल्स रखे हैं और ऊपर से आएगा बच्चों का फेवरेट, हम चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इन वोफल्स को हेल्दी भी बना सकते हैं, जैसे कि मैदे की जगह गेहूं का आटे का यूज़ कर सकते हैं और शक्कर की जगह आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, गुड़ पाउडर। तो इस तरह से भी वोफल्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो जब भी आप बच्चों को ये वोफल्स बना के देंगे तो थोड़े से ज़्यादा ही देना, क्योंकि बाकी के बच्चे भी इनमें से ज़रूर शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।